अभिनंदन की वापसी में देरी की वजह मेडिकल या कागजात की जांच नहीं बल्कि 2 दर्जन कट वाला वीडियो। शुक्रवार को बाघा बॉर्डर तक भारत में अभिनंदन के आने में घंटों की देरी हुई। जी हां, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इस देरी का कारण बार बार मेडिकल जांच बताया जा रहा था। हालांकि इसकी असल वजह अभिनंदन की भारत वापसी से कुछ समय पहले ही आ गई थी, जब पाकिस्तान के भारतीय विंग कमांडर ने एक वीडियो जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान को भारत के हवाले करने में पाकिस्तान की ओर से इसलिए देर हुई क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी उनसे कैमरे पर बयान दर्ज करवा रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि उन्हें दबाव में कैमरे के सामने बयान देने को कहा गया या नहीं, लेकिन इस वीडियो में 2 दर्जन ऐसे कट हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि इसे परोक्ष रूप से पाकिस्तानी रुख के अनुरूप करने के लिए इसमें बहुत काट छांट की गई है। पाकिस्तानी सरकार ने स्थानीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे अभिनंदन का वीडियो स्थानीय मीडिया में जारी किया, जिसमें वीडियो में अभिनंदन बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह पकड़ा गया और पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। वीडियो में अभिनंदन कहते नजर आ रहे हैं कि वो निशाना खोजने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसे, लेकिन उनके विमान को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं निशाने की खोज में था तो वायुसेना ने मेरा विमान मार गिराया, मुझे विमान से कूदना पड़ा क्योंकि विमान को बहुत नुकसान हुआ। जैसे ही मैं बाहर कूदा मेरा पैराशूट खुला, मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी। अभिनंदन ने कहा वहाँ कई लोग थे, मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था, मैंने अपनी पिस्तौल नीचे गिराकर भागने का प्रयास किया। उन्होंने कहा लोगों ने मेरा पीछा किया, वे बहुत उत्तेजित थे, तभी वहाँ पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारी आ गए और मुझे बचा लिया। पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने मुझे लोगों से बचाया और मुझे चोट नहीं आने दी। वे मुझे यूनिट में ले गए जहाँ मुझे प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर मुझे आगे की मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल लाया गया, मेरा उपचार हुआ। भारतीय मीडिया की आलोचना भी वीडियो में विंग कमांडर भारतीय मीडिया की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। वहीं पाक सेना की तारीफ कर रहे हैं कि पाक सेना के जवानों ने मुझे भीड़ से बचाया, पेशेवर है वो सेना, मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारत का पक्ष है कि अभिनंदन का विमान उस समय गिराया गया जब भारत वायुसेना के विमान 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान वायुसेना के प्रयासों को नाकाम किया था। इससे एक दिन पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर आतंकरोधी अभियान चलाया। अभिनंदन विमान से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर गिरे जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि देरी के सवाल पर पाकिस्तानी मीडिया की खबर है कि बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन के कागजात की जांच हो रही है, इसलिए उन्हें तुरंत अधिकारियों को सौंपा नहीं गया। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं।